नमस्कार दोस्तों, आपके लिए कोर स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक है दोस्तों, और बैंक सेक्टर के अंतर्गत यह स्टॉक आता है दोस्तों, और NSE BSE दोनों में यहाँ पर लिस्टेड है। एवरेज ड्यूसिंग के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस बनती हुई देखने को मिल रही है 76.60 रुपये पर यहाँ पर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस बनती हुई यहाँ पर नजर आई है। और IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में प्रति शेयर पर जो गिरावट बना है माइनस में दोस्तों, तो 1.15 रुपये की यहाँ पर गिरावट बनी है स्टॉक में। जो गिरावट रिटर्न है दोस्तों, जो कि यहाँ पर माइनस में ये 1.48% का यहाँ पर गिरावट रिटर्न भी बनता हुआ नजर आया है स्टॉक में। तो अगर आपको सटीक जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा छोटा सा लाइक करना ना भूलें दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में दोस्तों, जो कि यहाँ पर 86 रुपये से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली स्टॉक में दोस्तों, जो कि अपनों को यहाँ पर लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली 75 रुपये के आसपास, 86 से 75 रुपये की गिरावट देखने को, 75 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। ऐसे बढ़ोतरी भी देखने को मिली, फिर गिरावट, फिर बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर बढ़ोतरी, फिर गिरावट दोस्तों, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक यहाँ पर एक ही सपोर्ट रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 77 या 78 या 79 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गिरावट का सपोर्ट रेंज दोस्तों, जो कि यहाँ पर 75 रुपये के आसपास भी गिरावट बन सकती है, 70 रुपये के आसपास पर गिरावट सपोर्ट रेंज भी नजर आ सकता है IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार छोटा सा लाइक करना ना भूलें। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।